के दुनिया में भेजो ले बारे आ भगवान बड़ी फुर्सत से राखे बनो ले बारे। और मैं इसी के साथ नीतू मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम आप प्लीज आगे आ जाए। कितना अच्छा से बनता है। मैडम 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 देख रही हूँ और मुझे बस एक ही चीज दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उत्साह, जोश। और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोगों को इतने जोश और इतने उत्साह के साथ इतनी कठिनाई में भी जीवन में इतने खुश रहने की प्रेरणा जो मुझे मिली है वो आपसे मिली। बिहारी हूँ, संघर्ष में जानती थी, क्या बात है। और बिहार में पैदा होने का मतलब ही होता है संघर्ष में पैदा होना। हम लोगों के पास कोई जमा पूंजी नहीं होती, कोई पिता के तरफ से बहुत बड़ा व्यापार नहीं मिलता, जो करना पड़ता है खुद करना पड़ता है, मानते हो कि नहीं? Yes. और इसीलिए जब भी मैं इस बिहार की धरती पे आती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मेरा जन्मभूमि तो है ये, लेकिन मेरा कर्मभूमि भी यहीं से शुरू हुआ। एक जानी पहचानी सी खुशबू सी महसूस होती है बिहार के, जैसे एयरपोर्ट पे मैं उतरती हूँ, पता नहीं क्यों मन एकदम पुलकित सा हो जाता है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाती हूँ। और आज मैं आपको तैयारी करने का एक आसान सटीक तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने सारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बुला लीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ खीड़ी कैंपस पटना के उस टीम का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सेमिनार को सफल बनाया। दिल्ली से मैंने वहाँ से परविंदर को भेजा, मैंने कहा कि जाकर मेरा संदेशा सिर्फ मेरे बच्चों तक पहुंचाओ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं और एक बार उनके साथ लग के देखो कि वो कहां लग कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं देखती हूं तो मुझे जो भीड़ दिखती है सिलेक्शन की उसमें मेरे बिहार के बच्चे थोड़े कम दिखते हैं मुझे, जो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से कचोटता है कि भाई ऐसा क्यों। तो हमने बस इसी संघर्ष में पूरी कोशिश की कि अपनी पटना की जो मेरी टीम है उनके साथ मैं प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करूं, और कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन से ही आपका भी भला और हमारा भी भला होगा। तो मैं सबसे पहले
जो हमारी टीम है, जो वॉलंटियर्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, जिन्होंने किसी भी तरह का कोई भी एक रिवॉर्ड के मतलब नहीं उनको चाहिए, ना ही वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल रात को मैं यहाँ पे 11:30 बजे देखने आई थी कि यहाँ सब तैयारी हुई है कि नहीं, और वो बच्चे यहाँ पे पूरे उमंग और उत्साह के साथ काम कर रहे थे। इतनी भारी गर्मी थी उस समय, कोई एसी नहीं चल रहा था, सब पसीने से तरबतर। मैं नतमस्तक हूँ तुम लोग का, तुम लोग के जज्बे को देखकर मैं सही में मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। अब आती हूँ मैं हमारे जो पटना की टीम है, सबसे पहले मैं अपने मैथ्स के दोनों धुरंधर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हमारे अभिषेक सर से कल मेरी बात हुई थी, रात में ही यहाँ पे थे और वो भी रात में यहाँ पे डटे हुए थे। और हमारे जो जीएस की टीम है, सच कहूँ तो पटना में जो जीएस की टीम है वो मैं उनको वहाँ दिल्ली में भी कई बार मिस करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे पास वहाँ जब टीचर्स की कमी हो जाती है तो इनको मैं वहाँ पर मिस करने लगती हूँ, क्योंकि ये इतने शांत तरीके से इतना अच्छा कंटेंट सालों साल देते आए हैं और हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हैं। तो मैं वेलकम करूँगी सबसे पहले आदित्य सर और गौरव सर को यहाँ पे हमारे। जब लॉकडाउन खत्म हो ही रहा था तो इन दोनों से मैंने कहा कि पटना का कमान आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैथ्स में हमारे बच्चे पटना के जो हैं उनको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, और पटना के बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, इनकी कमजोरी क्या हो तो मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा कि बच्चे अच्छे होते हैं इसलिए उनको आपको नीचे से लेकर तो चलना पड़ेगा लेकिन टॉप मोस्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये दोनों ने वो कमान बहुत अच्छे से जब लॉकडाउन खुला उस समय से लेकर आज तक संभाला है। और सबसे खुशी की बात ये है, इन्होंने कभी भी मुझे फोन नहीं किया कि मैम ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये खुद सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है किसी टीम की। मैं अब यहीं रहेगा सर, आप लोग मैं चाहती हूँ अब यहीं रहेगा। एके मिश्रा सर जो हमारे इंग्लिश के हैं, बहुत ठहरे हुए टीचर, बहुत शांत स्वभाव के, बहुत आराम आराम से पढ़ाने वाले, और ये हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं लॉकडाउन के बहुत पहले से। कभी कभार मैसेज करते हैं मुझे और मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मेरी ऐसी टीम है मेरा रिस्पॉन्स आए चाहे नहीं आए मेरे खामोशी को भी ये समझते हैं। इन्होंने इन लोगों ने मुझे बर्थडे के दिन विश किया था और उस दिन पूरा दिन करीबन 5,000 लोगों को हमने वहाँ पे लंगर में खाना खिलाया था। मेरे पास मोबाइल देखने तक का समय नहीं था लेकिन इन लोगों ने दिल से दुआ मुझे दी है। और मैं आपको सही बताऊं, मैं आज इतने कर्मठ तरीके से जो काम कर रही हूं, इतने एनर्जी से भर के, मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे बच्चे हो चाहे मेरे टीचर्स हो। मैंने कैंपस लॉ सेंटर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया, 2 साल के अंदर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, क्योंकि जब मैं कोर्ट जाती थी वही चोर उचक्के, वही नेगेटिव फीलिंग, वही झूठ, और जब मैं वहां से आती थी तो पता है मुझे लगा जैसे मेरी पूरी एनर्जी निचुड़ गई। मैंने 3 साल होते होते मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और भगवान की दया से मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद से मैं सिर्फ जो एजुकेशन के महारथी हैं जिनसे मैं कुछ सीख सकती हूँ, जिससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और मेरे बच्चे जिनमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, मैं उनसे घिरी हुई हूँ और मैं इस लाइफ के लिए शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स और अपने बच्चों का। मैं वेलकम करना चाहूँगी
चाहती हूँ अभिषेक सर को, रीसी के सर को, और इनका मैं बता दूं, इनको मैंने सीधा बोला पटना में ही क्लास में जाइए और अब क्लास शुरू करिए। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा मैडम मेरा जॉइनिंग लेटर क्या 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 टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, क्या करना है, सैलरी कब आएगी, कुछ डिस्कशन नहीं। चुपचाप से क्लास में आए और तब से ले रही आज तक ये क्लास ले रही, इनका एक कॉल भी मेरे पास नहीं आता। टीम वो होता है जो अपना प्रेजेंस बात कर करके महसूस ना कराए। हम लोग कहते हैं बकेती उधर है ना, तो बतौलाबाजी जो कहते हैं, बात कर करके महसूस ना कराए, एक साइलेंट सोल्जर की तरह बस डटे रहे और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है ये लोग खुद निपटते हैं। कल रात में 11 बजे यहाँ पे खड़े थे बच्चों के साथ, बच्चे भी तो एनर्जेटिक तभी होते हैं ना जब देखते हैं कि हाँ हमारे साथ टीम खड़ी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अभिषेक सर का जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ रीजनिंग और मेरे बच्चों को संभाला। मैं चाहती हूँ रत्नेश सर आए, और रत्नेश सर बहुत सालों से पढ़ा रहे हमारे यहाँ पे हिस्ट्री। ऑनलाइन में राहुल सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे मेरे साथ राहुल सर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ कि मेरा जो जीएस का यहाँ टीम है बहुत बढ़िया टीम है, और जिस तरह से ये एकदम आपको मैं बताती हूँ, मैं बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ी हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कामल कॉन्वेंट स्कूल में। मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आता, ना कभी इंटरेस्ट आया। तो एक बार मैंने बच्चों से पूछा, यार तुम लोग इतने ठूसे पड़े रहते हो क्लास में, क्या पढ़ते हो यार हिस्ट्री में, हिस्ट्री कितना बोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चे ने सीधा जवाब दे दिया, मैडम आपका टीचर खराब हो गया है, हिस्ट्री खराब सब्जेक्ट नहीं। कुछ महसूस किया बात सही है, टीचर बढ़िया हो तो सब्जेक्ट को मनोरंजन के साथ पढ़ा सकता है, जो मैंने अपने रत्नेश सर में जरूर पाया। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ ज्योग्राफी के सर हमारे जय सर को। जय सर बहुत बढ़िया से यहाँ पे टेस्ट सीरीज लीड कर रहे हैं, और कभी भी जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैडम हम ये कर रहे हैं, हम ये मटेरियल दे रहे हैं, हमने ये टेस्ट सीरीज बनाया, कुछ नहीं। जब टेस्ट सीरीज हो जाता है तो मुझे पता चलता है अच्छा अच्छा टेस्ट भी लिया है और जय सर ने कंडक्ट करवाया। तो पटना का जो टीम है एकदम साइलेंटली ऐसा वर्क करता है, और जय सर को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब लॉकडाउन खुला उस समय भी ये आए, और उस समय मुझे भी एहसास नहीं था कि मैं भाई अब इनको कितना काम दे पाऊंगी, इनकी क्या कमाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी टीम जो मेरे पर एकदम अटूट भरोसा करती है ना, बस उसी पर हरे उतरने के चक्कर में मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, और आप लोगों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से मैं कभी भी टीचर को निराश होने नहीं देती हूँ कि हाँ आपका यहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं जय सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इन्होंने बहुत सारे तरीके से बहुत कुछ कोशिश करी है केडी कैंपस के लिए करने के लिए, और उसके लिए ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ से मैं उनका धन्यवाद कर सकूँ। अब मैं चाहूँगी हमारे अविनाश सर जो केमिस्ट्री बायो के, बायोलॉजी मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन में मैंने जूलॉजी पढ़ा है, और मैं इन लोगों का प्रॉब्लम भी समझती हूँ कई बार कि टीचर कहते हैं मैम बच्चों का साइंस बैकग्राउंड है नहीं और उनको इतना साइंस पढ़ाना पड़ता है, लेकिन सब तरह की प्रॉब्लम्स को झेलते हुए जिस तरह से आपने सर बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखा सब्जेक्ट में, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने पटना के टीम का नमन करती हूँ कि जो यहाँ पर एक साथ खड़े होकर और जिस तरह से इन लोगों ने पटना के डी कैंपस ऑफलाइन को संभाला है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। ये जो टीम है
ये ऑफलाइन टीम है पटना का, आप ऑनलाइन टीम से तो मिल चुके हैं, ये ऑफलाइन टीम है पटना का। और चीज एक बात बता दूं, हम जो ऑफलाइन के टीचर्स हैं, हम लोग कॉन्टेंट्स बहुत अच्छा देते हैं, हम लोग रील जीवी नहीं होते। रील जीवी समझते हो? यस सर। एक मोदी जी ने एक शब्द इजाद किया था, आंदोलन जीवी, याद है कुछ? उसी से बना हुआ एक वर्ड निकाला है रील जीवी। रील्स बना बना के वायरल करना और बच्चों को अपने में एंगेज करना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं मैम कुछ मोटिवेशन चाहिए। अगर तुम्हारे पिता की झूरियां और तुम्हारी माँ की मजबूरियां तुमको मोटिवेट नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। और हम बीमारियों को मोटिवेशन नहीं चाहिए। हम बीमारियों के घर में जो परेशानी है ना, जो बेरोजगारी के कारण हम एक छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं, वही हमारा मोटिवेशन। बहुत परेशानी में बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना? मैं भी बहुत परेशानी में थी। आपसे बहुत कुछ आज शेयर करूंगी और आपको मैं बता दूं कैसे अपने आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी परविंदर एंड टीम को, जिन लोगों ने इस सेमिनार का आयोजन किया और इस सेमिनार को सफल बनाया। हरियाणा का लड़का बिहारी हो गया, ये जाना नहीं जा रहा वापस। मैं कह रही हूँ वापस आओ, वहां रोहतक संभालो, लेकिन यहीं पर बैठा हुआ है। पता नहीं तुम लोगों ने क्या जादू किया यार, तुम लोगों ने क्या जादू किया है, आई जस्ट डोंट नो। ये जाने को तैयार नहीं है, ही इज नीडेड इन रोहतक, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा है पटना। तो तुम्हारा प्यार ही ऐसा है ना कि तुम लोग बस सबको अपने में मोह के रख लेते हो, है ना? बिहारी प्यार ऐसा होता ही है, क्योंकि आज भी जब मेरी माँ दिल्ली आती है तो मुझसे पूछती है क्या लेके आए, तो उनको मैं खाली ये कहती हूँ कि वहां का सत्तू ले आना। और कल भी जब मैं निकली हूँ दोपहर में तो सत्तू की कचौड़ी और चाय खा के निकली हूँ। तो प्रॉब्लम यही है कि एक बिहारी बिहार से तो निकल लेता है, लेकिन बिहारी के अंदर जो बिहार होता है वो निकल नहीं पाता है कभी। तो बिहार से निकले करीबन मुझे 23-24 साल तो हो गए। 2000 में झारखंड बना था, उसके पहले ही मैं निकल चुकी थी, क्योंकि उसमें मुझे याद है कि मैं अपना एड्रेस जब लिखती थी तो गिरिडीह 815301 बिहार, यही है आखिरी लिफाफा जो हमने आज तक भेजा हुआ है। झारखंड होने के बाद तो मुझे लगता है हमने कभी चिट्ठी लिखी भी नहीं है। तो जब हम सब बिहारी थे तब मैंने बिहार को छोड़ा था, इसलिए आज भी जब कोई पूछता है तो यार वो समझ में नहीं आता कि झारखंड बिहार अलग अलग है क्या, तो वो फीलिंग नहीं आती। और जो आपके साथ मेरा लगाव है, जिस तरह का मेरा संघर्ष है, मैं आज आपको वही संघर्ष करते दिख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं आपके साथ अभी बहुत सारी बातें करना है और आपको मैं प्रॉपरली गाइड करना चाह रही हूँ बेटा, क्योंकि तुम लोग का रिजल्ट मुझे चाहिए, मुझे बिहारियों का रिजल्ट चाहिए। जिस प्रकार तुम लोग मेहनत करते हो, तुम्हारा वो रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि शायद तुम कहीं और डाइवर्ट हो रहे हो, कुछ तो बात है, क्योंकि तुमसे आधे मेहनत में बाकी स्टेट्स के बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। कहाँ रह रहे हो और क्यों रह रहे हो, आई नीड टू सी टुडे। इसीलिए बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। आज मैं बहुत सारे ऑफर्स भी लेके आई हूँ, गिफ्ट्स भी है, तो अभी थोड़ा इंतजार करिए। नीतू मैम को सुनना है तो थोड़ा तो इंतजार करिए। जान जा देंगे, क्या बात कर रहे हैं। चलिए अब हम चाहते हैं हमारे जो टीचर्स हैं आगे मंच पे जो सोफे हैं वहाँ पे बैठ जाएं। आगे जो मंच पे सोफा है अभी मैम आपको दोबारा संबोधित करेंगी, अभी तो उन्होंने पटना की टीम को इंट्रोड्यूस किया है,
अपनी पूरी जीवन गाथा और आप कैसे तैयारी करें उसको बताएंगी। अभी तो सिर्फ उन्होंने पटना के लिए इंट्रोड्यूस किया है, और चूँकि हमारे पटना के छात्रों का असीम प्यार है, आपने भी पढ़ाई की बातें करी, अभी नीतू मैम का पूरा एक 20-25 मिनट का स्पीच होगा जो निश्चित तौर पर आपको मोटिवेशन देगा। लेकिन उससे पहले कुछ रंगारंग कार्यक्रम है आपके लिए, आपके ही अपनों के बीच से जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहते हैं।